नमस्कार, मैं शोभा अक्षर आप सबका दिशा नेपोज से स्वागत करती हूं और इस समय मैं मौजूद हूं शाहीन बाग में। ये वही शाहीन बाग है जहां हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष हिंदुस्तानी सीए के विरोध में, एनआरसी के विरोध में, एनपीआर के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये वही दिल्ली है जहाँ के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कानून जो है वो नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। लेकिन सर, इन सबके बावजूद भी नरेंद्र मोदी विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहे इस कानून पर? अपना नाम पहले बताइए, परिचय बताइए, आप क्या करते हैं? फैज अहमद हूँ जी, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैं टीचर हूँ। देखिए, जब गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से भागने लगती है ना, तो पब्लिक अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती है। उन्हें तो हमें बताना ही होगा ना कि आप कहाँ पर गलत कर रहे हैं। और ये बिल्कुल मोदी साहब जो हैं गलत कर रहे हैं कि एनआरसी से किसी की सिटीजनशिप छीनी नहीं जाएगी, है ना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वो लॉ के एक्सपर्ट नहीं है, और इतना गलत बयान ही उनकी तरफ से होता है। रोज़ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह उनके स्टेटमेंट अलग अलग आते हैं, प्लस उनके जो लेफ्टिनेंट हैं उनके स्टेटमेंट अलग अलग आते हैं। तो पब्लिक बताइए, आपने जो क्वेश्चन पूछा था क्यों नहीं विश्वास लोग कर रहे हैं मोदी जी पर, कैसे विश्वास करें? आप क्या करेंगे उन पर विश्वास, जबकि वो कुछ कहते हैं, अमित शाह कुछ कहते हैं, दूसरे लोग कुछ कहते हैं। दूसरी बात, उनके जो लेफ्टिनेंट हैं, आज उनके एक लेफ्टिनेंट मुजफ्फरनगर के एक MLA साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो मोदी का विरोध करेगा और जो आदित्यनाथ का विरोध करेगा उसे हम जिंदा दफना देंगे। भाई, विरोध करने का तो अधिकार हमें है, डेमोक्रेसी हमें यह हक देती है, हम डिफर कर सकते हैं। इसके लिए कोई पॉलिटिकल लीडर कहेगा कि हम उन्हें जिंदा दफना देंगे? हम किस समाज में रह रहे हैं? सर आइए, आप अपना नाम बताइए। जोगिंदर सिंह वैशाली से, गाजियाबाद। को क्या लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? आना इसलिए चाहिए, मैं कह रहा हूँ इनको हो सकता है गलत फहमी हो, किसी को तो भेजे, इनकी गलत फहमियों क्यों नहीं दूर करते? हमारे वो 70-70 साल से ऊपर के 90-90 साल की बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बेटी हैं, क्यों नहीं उनकी सुनते? अगर कहते हैं गलत फहमी है, बरगलाया हुआ है, जामिया मिलिया भी गया उनसे, ये लोग बहस भी नहीं कर सकते स्टूडेंट से। जैसे मैंने उनसे बातें की हैं ना, सुना है, हमारी तो कुछ नहीं नॉलेज, उनकी तो बहुत नॉलेज है। मैं कह रहा हूँ अपने मिनिस्टर शाह जी को ही भेज दें, मेरा चैलेंज है, वो भी इनकी किसी ये जामिया मिला का भी स्टूडेंट से वो बात नहीं कर सकते। सर आपका नाम क्या है? मैं राकेश नाम है, आई वर्किंग फॉर MNC कंपनी। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हमें BJP से इत्तेफाक नहीं, मतलब कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन ये वाजपेयी की BJP नहीं है, ये यशवंत सिन्हा की नहीं है। अगर आप एनालिसिस करें इंडियन पॉलिटिकल और सिस्टम को, कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा फेमस वाजपेयी जी रहे हैं। बिल्कुल, ये अटल बिहारी वाजपेयी की, लेकिन BJP नहीं है ऐसा। वाजपेयी की नहीं है, द प्रॉब्लम इज दैट कि BJP तक तो ये सीमित था, लेकिन RSS की जो आइडियोलॉजी है, और अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें आप, लेकिन तब विपक्ष मजबूत था, जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, लोहिया हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अब विपक्ष कहाँ है? अब तो विपक्ष नजर भी नहीं आ गया ना, थ्रू इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्टसी। अपोजिशन को कैसे खत्म कर सकती है वर्तमान सरकार? वेरी वेरी सिंपल, अगर आप सोशल मीडिया पर IT सेल के थ्रू एक ही मैसेज को हजारों बार डंप करेंगे और आपके दिमाग से, आपके आईज के थ्रू, आपके ईयर के थ्रू एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वाली इन्फॉर्मेशन जाएगी। कांग्रेस के पास टेक्निकल इंजीनियर नहीं है क्या? आम आदमी पार्टी के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है? तो इकोनॉमी फैक्टर आ रही है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक ड्रिवन होती है। अब आप देख लीजिए कि इकोनॉमिकली सबसे रिच पार्टी इतने 5 ईयर्स के अंदर कौन सी हो गई, जो काम 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, रिचेस्ट पार्टी नहीं बन पाई, वो 5 साल के अंदर कैसे बन गई? एंड द सेम टाइम आप देखिए, ये पॉलिटिकल लॉबी और इकोनॉमिस्ट लॉबी का जो कोलैबोरेशन है, ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे, ये फंडिंग कैसे हो रही है, और कैसे फिर IT सेल को यूज करके इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल तबका, जो क्रीम वर्ल्ड है, उसको मॉर्फ किया जा रहा है, उसके अंदर ये चीज की जा रही है। सिस्टम बायस्ड है, सिस्टम न्यूट्रल नहीं है, एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर कंट्री। हमारे पास एक शाइनिंग एग्जांपल है पाकिस्तान का, जो 70s में जो जनरल जिया ने किया, उन पर ड्रेस का लगा, उन पर रिलीजन का लगाया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या नहीं निकला कि वो जो पढ़े लिखे एजुकेटेड यूथ थे वहाँ पर, वो बंद हो गए, वो रिलीजियस वाले टाइप के या इंटेलेक्चुअल बैंकक्रप्ट बने, और खामियाजा वो आज तक भुगत रहा है। प्रॉब्लम इसलिए अगेंस्ट कर रहे हैं कि हम भी उसी रास्ते पर या कुछ हद तक उस आइडियोलॉजी को प्रमोट धीरे धीरे हमारी कंट्री में भी आ रहा है। यू कैन आस्क जो प्रोग्रेसिव तबका है, जो मॉडर्न थॉट्स वाले लोग हैं, जो वो धीरे धीरे, और उनके अंदर ये फियर फोबिया भी हो जा रहा है कि दे कैन नॉट स्पीक कम आउट इन अ पब्लिक। मीडिया ने अगर हम ये बातें करें, इंटेलेक्चुअल बातें करें, तो आप तो उनको ट्रेटर, देशद्रोही या टुकड़े टुकड़े गैंग या अर्बन नक्सल बना देंगे आप उनको। और ये BJP वो BJP नहीं है जो पहले हुआ करती थी, आपका ये मानना है? इस स्ट्रेन पिन पे अगर मैं पूछूं कि क्यों वो BJP किसकी वजह से, किन बिंदुओं की वजह से या किन लोगों की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी वो नहीं जो पहले हुआ करती थी? अब ये देख लीजिए कि आप वो जो
जो आइडियोलॉजिकल बंदे थे, जो सीजन पॉलिटिशियन थे बीजेपी में, आप अगर उनको भी एनालिसिस करेंगे तो जो 50-60 साल से पॉलिटिशियन कर रहे थे बीजेपी में थे, वो गायब हो गए। उनको मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सारे गायब हो गए जो पढ़े लिखे थे, जो इंटेलेक्चुअल थे। और यकीन मानिए, चाहे कुछ भी हो, हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो लॉ मेकर है, जो ऊपर बैठे हुए तब के लोग हैं, वो इंटेलेक्चुअली पढ़े लिखे और समझदार और मच्योर होने चाहिए। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इस तरह के स्टेटमेंट दें हमारे पीएम कि कपड़ों से पहचानो या ऐसा। सर 2014 में आपकी बात, आप अपनी तरह से आप बात सही कर रहे हैं, पर यही वो जनता है जिन्होंने बहुमत से 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाया। जनता ने हिटलर को ही बनाया था, जनता ने मुसोलिनी को ही बनाया था, जनता ने जनरल जिया को बनाया था, और जितने भी डिक्टेटर थे ना, उनको एक समय मास अपील बहुत ज्यादा थी। आप कहना चाह रहे हो कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं? 100%। वन मोर थिंग, आज मुझे ये कहना है कि यूएन में हम डिस्कस हो रहे हैं, हम पर ट्रेवलिंग एडवाइजरी, हमारे फ्रेंडली नेशन रशिया, फ्रांस, ये सब दे रहे, यूएस दे रहे, यूएस कांग्रेस में हम डिस्कशन हो रहे हैं किस में। तो आप सोचिए ये बात कि हमारी जो एक ब्रांड इमेज थी, एक सेकुलर प्रोग्रेसिव मॉडर्न इंडियन इमेज थी, वो इमेज कितनी हार्म हुई है, और कब तक हम इसको सिर्फ एक बड़े मार्केट के दम पर हम इसको दबाते रहेंगे? ये चीज़ें आज नहीं तो कल हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब रहेंगे। इनका साफ तौर पे कहना ये है कि जो इंडिया, जिसकी पहचान सेकुलरिज्म थी, मतलब हम माने जाते थे अपनी, माने जाते हैं अपनी यूनिटी के लिए, और पूरा पूरा विश्व इसकी जो है प्रशंसा करता है, लेकिन इस कानून ने जो है वो कहीं ना कहीं मतभेद पैदा किया और एक देश की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसको बिगाड़ने का काम किया है। मेरे दिमाग में आया, मैं उसको कहूँगा, उसको ऐड कर दीजिए। आज जो मुस्लिम लोगों के खिलाफ में हेट स्टेटमेंट आ रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट की वजह से अब्दुल हमीद की आत्मा, जिसने 7 पैटेंट टैंक उड़ा दिए थे, कब्र में बहुत बेचैन होगी। ब्रिगेडियर उस्मान थे हमारे, उन पर पाकिस्तान ने 50,000 रुपए का 1947 में इनाम रखा था। उनको कहा था कि आप हमारी तरफ आ जाइए, हम आपको अपनी आर्मी का चीफ बना देंगे, ब्रिगेडियर उस्मान, आप सर्च भी कर लीजिए। पर उस बंदे, वो आजमगढ़ का बंदा था, उसने मना कर दिया था। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। कमोन, अकबर की तरफ से लड़ने वाले वो राजपूत थे, और क्या नाम है, मान सिंह की तरफ से लड़ने वाला वो अफगान ये था। तो इसको ना प्लीज, वो सिलेक्टिव जो पैकेज लिया जाता है ताकि लोगों को ऐसा भड़काया जाए, किया जाए। मेरा सवाल है, आप अपना नाम बताइएगा, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सरकार पॉलिसीज लेके आए, योजनाएं लेके आए, ठीक है, लेकिन जैसा सर ने कहा कि एक तबके को हाईलाइट करके पर्टिकुलर बना के हमला ना करे, इससे सहमत है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम निहाल हुआ, निहाल अहमद। आपको ये सारी बातें, आपको प्लीज दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये जो तबके को हम लोग को जो बलि का बकरा बनाया जा रहा है बोल के, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को, उसके पीछे बेसिक दूसरा चीज़ है, इनके पीछे इनकी जो इकोनॉमी पॉलिसी फेलियर हुई है उसको छिपाने के लिए ये सबसे, उनके लिए सॉफ्ट टारगेट क्या था, मुस्लिम। ये अभी ये कुछ नहीं आने वाला था आपके पास, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद, बिकॉज इनके पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है, इनके पास जो अर्थशास्त्री है उनको ये ला के आगे रखते नहीं है। ये सारी चीजें जो हमको परोसी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी इकोनॉमी पॉलिसी को पे जो फेलियर हो गए हैं, इवन इंटरनेशनल पॉलिसी। आप एक चीज बताइए, अब ईरान अमेरिका में वॉर चल रहा है, ईरान ने आपको हमेशा साथ दिया है, फ्रंट आके कुलभूषण के मामले में ईरान ने सामने आकर समर्थन किया था, पाकिस्तान को बैकडाउन किया वहाँ पे ईरान, बहुत सी इसमें, अगर आप सिर्फ वो कुलभूषण के मामला नहीं है, जब आपको ईरान की जब ऑयल की स्कार्सिटी हुई थी, आपको अभी रिसेंटली उसने अपना बंदरगाह दिया डेवलप करने के लिए 500,000 करोड़ का, कौन देगा आपको? आप उसके लिए बात नहीं करते, और आपके हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप को फोन करके हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देते हैं 7 तारीख को, ये क्या है? इसका मतलब आप फॉरेन पॉलिसी पे फेल हुए हैं, आप इकोनॉमी पॉलिसी पे फेल हुए हैं, उसी सारे चीज को छुपाने के लिए आप हम जैसे गरीब तबके के लोगों को, न सिर्फ मुस्लिम, सारे हमारे ओबीसी भाई को भी बलि का बकरा बना रहे इस पॉलिसी को। आप देखिए एनआरसी, इनकी औकात ही नहीं है लागू करने की, ये कर भी नहीं सकते हैं। मंत्रालय ने तो कह दिया सर, हमने नहीं, हम इस कदम से पीछे नहीं हटेंगे, हमारा स्टेटमेंट है। सुनिए, बहुत, दे आर वेरी क्रूड, बहुत बोलो, बहुत ही सार पर उसका स्टेटमेंट क्या, सीए से पीछे नहीं हटेंगे, एनआरसी इनकी औकात नहीं है लाने की। 70,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे? जो सीएम रह चुका जो स्टेट का,
वो लेडी असम में, वो बाहर चली गई, वो बाहर चली गई। तो आप ये छोड़ दीजिए कि हम आप कागज लाएंगे, तब कागज लाने पर ही बच जाएंगे। सर आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात नाम बताइए। मैम ये मैं क्या, मेरा नाम तकी अहमद है, मैं इंजीनियर हूँ। मैं ये कह रहा था कि इस देश में एक नैरेटिव पेश कर दिया गया है, देशभक्त कौन है, देशभक्त कोई नहीं है। देशभक्त का मतलब ये होता है कि हम इंडिया के साथ हैं। देशभक्त का मतलब ये नहीं होता है कि हम नरेंद्र मोदी या प्राइम मिनिस्टर के साथ हो। हमारा डेफिनेशन ये हुआ है कि हम अपने देश के साथ रहना है, ना कि हम प्रधानमंत्री के साथ रहो। इस देश में तो डेमोक्रेसी में हमें राइट है अपोज करने का, किसी चीज़ को भी आकर सामने बोलने का। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसीज़ है कि किस तरीके से आप एक तबका को उठाइए, जो कि इस मेजोरिटी में हमारे, जाहिर सी बात है कि इस देश में मेजोरिटी में हमारे मुस्लिम भाई हैं और हम माइनॉरिटी में हैं, हम मुसलमान हैं। तो हम इस तरीके से कैसे एक तबका को उठाकर हम सामने में ला दीजिए। जो सर सर पर वो कह रहे हैं कि इस पूरे कानून का जो है गलत परसेप्शन बनाया गया है, विपक्षी के दलों ने ऐसा बनने दिया है। वो कह रहे हैं ये तो हम उनके कागज देखें कि हमको नागरिकता देंगे, लेने का नहीं। मैम यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको कोई भी एक विपक्षी नेता नजर आ रहा है, यहाँ पे सब आम पब्लिक है। हम सब आम पब्लिक अपनी राय लेकर आए हैं, अपनी बातों को कहने के लिए आए हैं यहाँ पर। और हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं की बात करती थी। आज महिलाएं यहाँ पे पिछले एक महीने से ठंडी बरसात जारे में बैठी हुई है, एक भी आदमी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा है। और सर ने कहा था कि इकोनॉमिकल क्राइसिस जो अभी आने वाला है उसको छुपाने के लिए ये जो गवर्नमेंट है, ये नई नई पॉलिसी, अभी जेएनयू अटैक हुआ, अभी कुछ दिन के बाद फिर देख लीजिएगा आप, 6 महीने के बाद या 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद कुछ एक ऐसा नया पॉलिसीज आ जाएगा जो रिलीजन पे बेस्ड होगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट यही कर रही है कि रिलीजन को डिवाइड करने के लिए। आप प्लीज ट्रेंड को समझे, इनके ट्रेंड क्या है, सारे इंस्टीट्यूट को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जानबूझ के डिस्टर्ब किया जा रहा है। क्यों? कि यही बच्चे जानने वाले हैं, यही बच्चे समझदार हैं जो आगे आपकी इकोनॉमी को चैलेंज करेंगे। आपने बोला कि मोदी को आपने 2014 में वोट दिया, मोदी को सिर्फ 39% वोट मिला था, 61% उनके अगेंस्ट थे। आप वो मजोरिटी की बात नहीं कीजिए। हाँ यहाँ पे नंबर गेम है, हमारी गठबंधन से सरकार बन जाएगी अगर वो, आप इस पूरे ट्रेंड को समझिए। ये ना स्टूडेंट के भलाई चाहते हैं, ना माइनॉरिटी की भलाई चाहते हैं, ना अपने हिंदू भाई बहन की भलाई चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने रोटी सेकना चाहते हैं और आरएसएस का फंड बढ़ाना चाहते हैं। आपने 9 साल से आप बोलते 60 साल बना, 10 साल, 60 साल में कांग्रेस ने जो इतना बड़ा नहीं बना पाया, आप 10 साल में अपने आप मुख्यालय देख लीजिए अपना। हमको उससे भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है। आप हमको क्या कर दिया, लाइन में खड़ा कर दिया। आज कोई इकोनॉमिक की बात कर रहा है क्या, हिंदू मुस्लिम के जो कर रहे हैं ना, ये परसेप्शन इनका संत स्टीफन कॉलेज ने तोड़ दिया। संत स्टीफन कॉलेज में 30 साल बाद वो लोग निकले। आपको मालूम है संत स्टीफन, आप हमसे अच्छे आदमी कौन पढ़ते हैं? पीएमओ में जितने भी हमारे सेक्रेटरी लेवल के लोग बैठे हुए हैं, होम मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं, वहाँ पे एक जो एक इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ पे एक लड़की ने बहुत अच्छा बात बोला, वी आर द प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर हिम्मत है तो वही दिल्ली पुलिस हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमको डंडा मार के दिखा दे। क्यों? क्योंकि उनके फादर पीएमओ में बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग भी हमारे साथ आए। क्यों? क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं है, ये सवाल इकोनॉमिक को फेल्यूर का, ये सवाल हमारे को मतलब सही अर्थव्यवस्था नहीं दी है, सही शिक्षा नहीं दे रहे, इसको छिपाने के लिए एनआरसी गए। आप ये सोचिए कि आज आजादी के 70 साल बाद हम अपने आप को किससे कम्पीट कर रहे हैं, वी आर कम्पीटिंग बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, जबकि हमें जापान, चाइना, अमेरिका से अपने आप को कम्पीट करना चाहिए। वी आर द डेवलपर कंट्री, हमेशा हम लोग 70 साल से डेवलपर ही होते रहेंगे क्या? आज तक हम लोग उस पोजीशन पे क्यों नहीं पहुंचे? पाकिस्तान 88 नंबर पे है, जहाँ पर हमारे पास 102 लोग डेली भूख से मरते हैं, 88 लोग मरते हैं, हमसे आगे है भूखमरी में। सर, और इंडिया अब, सर एक सेकंड, अब मैं इसी के साथ, आप देखिए 3 इडियट्स का पोस्टर है जिसमें अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 3 इडियट का ये पोस्टर जो है लेकर आए हुए हैं, एक यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है सीए की, और ये हमारे देश की अभिव्यक्ति की आजादी है और खूबसूरती भी है कि सत्ता नशी जो सरकार है वो जो उसके विरोध में यहाँ पर इतनी जनता मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, पुरुष मौजूद है, बच्चे मौजूद है, बूढ़े मौजूद है। ऐसे ही शाहीन बाग से हम आपको और भी अपडेट्स बताते रहेंगे। बने रहिए दी संडे पोस्ट के साथ। नमस्कार।